योशिन को पता नहीं क्या हो गया और उसने मुझे इतना बड़ा पार्सल भेज दिया है। खैर मुझे इस पे कुछ ड्यूटी टैक्स भरना पड़ा, बट इस पार्सल को देखकर लग रहा है कि वो वर्थ था। यार ये क्या है? अच्छा सबसे पहले है इनका फ्लैगशिप क्यूब जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसका नाम कहीं लिखा होना चाहिए, हुआमंग करके कुछ था, 3x3 मैगलिव यूशिन। यार ये कुछ बड़ा लग रहा है। और ये है इनका 6x6 मेगामिंक्स, 6x6 डोडेकाहेड्रन क्यूब। और ये है इसका शायद यूवी कोटेड वर्जन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इसका 16x16 क्यूब। और नहीं अभी नहीं, मैंने इससे गुड लुकिंग 16x16 आज तक नहीं देखा। इस पे अलग वीडियो होगी और मेगामिंक्स 6x6 वाले पे अलग वीडियो होगी। आज की वीडियो रहने वाली है इन दो पजल्स पर। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल वर्जन को खोलेंगे, इसको शीट से तो बाहर निकालें, इसका फील कैसा बॉक्स का। ओके इंटरेस्टिंग। यार ये किसी की तो याद दिला रहा है, कुछ तो याद आ रहा है इसको देखकर, गैन 14 में भी। अच्छा खैर ये है हुआमंग, मैं इसका नाम यहाँ कहीं लिख दूंगा यार, और क्योंकि यहाँ चाइनीज में सब लिखा है। ये नॉर्मल वर्जन है और इसके बाद यूवी कोटेड चेक करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये मैगलिव लग रहा है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। बट इसको हम खोलते हैं। यार इसका फर्स्ट इंप्रेशन, इसका स्टैंड बहुत बड़ा है यार। मैनुअल से हमारा कोई काम नहीं है, जिंदगी में कभी मैनुअल नहीं पढ़ा, चाहे हमें कुछ समझ आए या ना आए। हमें मिलता है एक कार्ड यूशिन की तरफ से। यार काफी कुछ मिलता जुलता है, बट चलो हम टर्निंग को कंपेयर करेंगे। बेसिकली यूशिन का स्टैंड और मेन चीजें फाइनली हमारे पास आ गई काम की। यार एक्सेसरी बॉक्स कितना क्यूट सा लग रहा है, कलर ऑरेंज बहुत क्यूट लग रहा है। वेट अ सेकेंड, इन्होंने बैग दे दिया और एक टेंशनिंग टूल कुछ तो अलग है यार। मतलब जैसा मोयू का होता था ना, बट वो छोटा होता था, ये थोड़ा चौड़ा है यार। खैर अगर हम बैग की बात करें तो बैग क्या है यार, ये किस कपड़े के और इसके अंदर क्या है? ओ क्लीनिंग क्लॉथ। यार यूशिन आउट ऑफ द बॉक्स खेल रहा है और इसके ऊपर मेगामिंक्सेस अलग अलग बने हुए हैं और ये क्लीनिंग क्लॉथ ही होगा ऑब्वियसली। यार कुछ अलग देखने को मिला, मतलब अनएक्सपेक्टेड कर रहा है यूशिन। फर्स्ट इंप्रेशंस, इसके पीसेस का जो डिजाइन है वो थोड़ा गोल गोल है यार। इसके सेंटर पीसेस थोड़े अंदर मुझे लग रहे हैं या है मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अच्छा प्राइमरी इंटरनल्स हैं कॉर्नर्स पे और एजेस कलर्स वाले हैं और मैग्नेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हैंड्स, अच्छा ये अभी थोड़ा टाइट है मेरे हिसाब से। इंटरेस्टिंग, मैं इसका एक दफ़ा सेंटर कैप खोल के देखना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी खिचड़ी पकड़ी, इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं सेट, बट अभी मैं करने नहीं वाला। और सेंटर कैप का डिज़ाइन तुम लोग थोड़ा देख सकते हो, हमें कुछ इस तरह की ये देखने को मिल रही हैं। मे बी ये ग्रिप में मदद करती हैं और मुझे लगता है मैंने शायद एक तोड़ दिया है, बट मैंने बंद कर दिया यार क्योंकि ये यूवी कोटेड नहीं है। मुझे आजकल यूवी कोटेड क्यूब्स की कुछ ज़्यादा ही आदत पड़ गई हुई है, तो शायद इसलिए ये मेरे हाथ से फिसल रहा है। बट ये एक डिसेंट स्पीड क्यूब वाली इसमें टर्निंग पाई जा रही है। हम यूवी कोटेड वर्जन जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं ताकि हम दोनों वर्जन को कंपेयर कर सकें, फिर ही मैं सही तरह कुछ बता सकता हूँ। यार इसका यूवी कोटिंग बहुत अलग है यार, मतलब बाकियों का ऐसा लगता था जैसे स्टिकर्ड क्यूब्स नहीं होते उस तरह का यूवी कोटिंग है, मतलब जैसे स्टिकर लगे होते हैं, लेकिन इसका बहुत पूरा फैला हुआ है। पता नहीं ये मैं हूं या ऐसा वाकई में या मुझे लग रहा है। इसने तो क्यूब का फुल टर्न बदल के रख दिया। अच्छा मुझे ना यूशिन लिटिल मैजिक की बहुत याद आ रही है, मैंने यूशिन हुआंगलोंग पैरामिंक्स यूज किया हुआ, बट वैसा तो बिल्कुल भी फील नहीं है यार, बड़ा फ्लेक्सिबल सा फील है। तुम लोग भी देख सकते हो टर्न्स को ना, बहुत अलग फील है और इसका तो बिल्कुल ही फील बदल गया है यार। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत एफर्टलेस टर्निंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने इसको सेटअप कर दिया तो इसमें मेन वाली पोटेंशियल है, या कम से कम बैकअप मेन वाली पोटेंशियल तो जरूर है। ओहो मुझे ये यूवी कोटेड वाला
थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। मतलब अगर दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ऑब्वियसली इसको चूज करूंगा। ऑब्वियसली ये बजट क्यूब होगा जो यूवी कोटेड नहीं है, और यूवी कोटेड वाला थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन इनमें यूशिन लिटिल मैजिक की कुछ वाइब आ रही है, खास करके इस क्यूब में। और यूशिन लिटिल मैजिक मेरा पहला ऐसा मेन क्यूब था जो पता नहीं शायद एक साल तक मेरा मेन क्यूब रहा था। अच्छा, इसके मैग्नेट्स आई डोंट थिंक सो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। यार मुझे इसके सेंटर कैप खोलते हुए डर आ रहा है कि हम कहीं ये जो छोटी छोटी डंडियां ये तोड़ ना बैठें। और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओ अच्छा, खैर खुल तो गया ये मैगलिव है, और हमें इस बहाने पता लग गया ये बॉल कोर है। और इसका बॉल कोर कितना क्यूट है यार। अगर तुम लोगों को इसका बॉल कोर नजर आ रहा है तो ये कॉर्नर्स कोर टू कॉर्नर मैग्नेट्स हैं, और अगर हम कॉर्नर पीस और एच पीस की क्यूट यार कॉर्नर पीस और एच पीस की बात करें तो बहुत बहुत सिंपल डिजाइन है। कॉर्नर पीस पे ड्रैगन स्केल पैटर्न इसको बोलते हैं ना, वो दिया गया है। मैंने आज तक मैनुअल पढ़ा तो नहीं, बट मुझे इसकी टेंशनिंग को कुछ समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन इस क्यूब में पोटेंशियल है, इस पर शायद कुछ शॉर्ट्स वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम इसको सेटअप करें और वहाँ पे इसका रिव्यू करेंगे। बट मैं एक लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ इन क्यूब्स के लिए कि ये फ्लेक्सिबल हैं। मतलब मैं और किसी तरह से इसको हमें अभी इसकी प्राइस का नहीं पता तो हम कुछ बोल नहीं सकते अभी। एक दफ़ा प्राइस कंफर्म हो जाए तो मैं फिर तुम लोगों को इसका रिव्यू उस हिसाब से दे सकता हूँ। इस वाले में एक बजट क्यूब वाली फीलिंग है, जबकि पता नहीं यार यूवी कोटेड क्यूब्स क्यों प्रीमियम फील देते हैं मुझे आज तक नहीं समझ आई। या शायद ऐसा कोई मतलब दिमागी मसला है कि ऐसा लगता है कि जो यूवी कोटेड है वो एक प्रीमियम क्यूब है, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे बताना तुम लोगों को कैसा लगा, और 16x16 पर वीडियो आने वाला है, 6x6 मेगामिक्स पर आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस थे कुछ। इस पर अगर रिव्यू चाहिए तो मुझे जरूर बता देना, हम इसको सेटअप करके इस पर रिव्यू जरूर कवर करेंगे। अब लाइक शेयर कॉमेंट कर देना और सब्सक्राइब यार। और ये रहा 16x16 का अनबॉक्सिंग वीडियो, जाके देख लो।